नमस्कार। आज बात होगी बेहद दिलचस्प मुद्दे की, उत्तराखंड की सियासत के उस मुद्दे की जो अपने आप में सियासत के नजरिए से कई सवाल खड़े करता है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन अब वक्त उन जनप्रतिनिधियों के रिपोर्ट कार्ड का है जिन्होंने जनता को तमाम सपने दिखाए, उन सपनों के सौदागरों का है जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल करके जनता को तकबा देते रहे कि हम वो करके दिखाएंगे जो उत्तराखंड में कभी नहीं हुआ। लेकिन क्या इन 5 सालों में अपने आप को बड़ा नेता और कैबिनेट मंत्री कहलाने वाले, सरकारी सुख भोगने वाले उन मंत्रियों ने आपके लिए कुछ किया? आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के एक ऐसे ही मंत्री की जो अपने आप को कभी रेल पुरुष कहते थे, कभी विकास पुरुष, कभी जननायक, कभी मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते थे, लेकिन उन्होंने अपने विभाग में क्या किया? उत्तराखंड के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण विभाग मैं उसे मानता हूं। उत्तराखंड की रीढ़ उसी विभाग पर टिकी है, लेकिन 5 सालों के भीतर उस विभाग में क्या काम हुए उसका आकलन बहुत जरूरी हो जाता है। और इसमें आकलन इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि वो खुद, जैसे मैंने बताया ना आपको, मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे। मैं बात पर्यटन विभाग की कर रहा हूं, मैं उस विभाग की बात कर रहा हूं जिसके मंत्री सतपाल महाराज हैं। महाराज जो कभी कांग्रेसी हुआ करते थे, तब उस वक्त कहते थे कि पहाड़ पर रेल मैं चढ़ाऊंगा, लेकिन मंत्री बने पर्यटन मंत्री। तब उन्होंने बीजेपी की सरकार में पर्यटन मंत्री रहते हुए जो दावे किए, आज उसका आकलन बहुत जरूरी हो जाता है। उत्तराखंड के विकास के परिपेक्ष में सतपाल महाराज ने किया क्या, आज उसी का लेखा जोखा आपके बीच न्यूज वर्ल्ड इंडिया लेकर आ रहा है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया लगातार ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष, जैसे कि आप मेरे पीछे देख, इसी एजेंडे पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम उत्तराखंड की आवाम की आवाज बन के हुक्मरानों से वो सवाल पूछते हैं जिसका जवाब पूरा उत्तराखंड जानना चाहता है। आज पहले आपको दिखाते हैं कि माननीय मंत्री जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, सतपाल महाराज जी ने 5 साल में कौन कौन से सपने दिखाए और वो सपने धरातल पर धराशायी कैसे हुए। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ, जहां हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, और उनसे पूछेंगे कि आखिरकार महाराज जी के सपने साकार क्यों नहीं हो पाए। लेकिन पहले डबल इंजन सरकार में पर्यटन मंत्री ने किया क्या वो देखिए। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जब से पर्यटन मंत्रालय संभाला, तब से लेकर अब तक उनके द्वारा की गई घोषणाओं पर जरा एक बार नजर डाल लेते हैं। और क्या वो घोषणाएं धरातल पर पूरी हुई या सिर्फ कोरी घोषणाएं ही साबित हुई, चलिए अब बात करते हैं सतपाल महाराज की। देहरादून से मसूरी के लिए 300 करोड़ से पीपीपी मोड पर रोपवे का निर्माण किया जाना सतपाल महाराज का सपना था। वो विश्व के सबसे लंबे 5 रोपवे में से एक रोपवे बनाने का दावा कर रहे थे। ऐसे में सवाल ये कि कहां गया विश्व का सबसे लंबा पंच रोपवे। महाराज ने कहा था कि राज्य के एडवेंचर टूरिज्म के लिए, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महाभारत सर्किट, रामायण सर्किट, सीता माता सर्किट बनाया जाएगा। अब सवाल महाराज जी ये कि कहां गए धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाले सर्किट। सपनों के पर्यटन मंत्री यानी कि सतपाल महाराज के सपने यही नहीं रुके थे। टिहरी और नानक सागर झील में सी प्लेन उतारने की योजना थी ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले और जिले में आए पर्यटक राज्य की खुशहाली का हिस्सा बने। ऐसे में सवाल ये कि महाराज जी कहां गया वो सी प्लेन।
महाराज जी ने यह भी कहा था कि हर 13 जिलों में 13 डेस्टिनेशन बनाएंगे। अब सवाल ये महाराज जी कहां गए वो 13 डेस्टिनेशन। वहीं सतपाल महाराज के 5 साल के कार्यकाल को लेकर विपक्षी दल भले ही उन पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि सतपाल महाराज सिर्फ सपने दिखाते हैं, सपने दिखाने वाले पर्यटन मंत्री हैं और सपनों के अलावा उन्होंने धरातल पर कुछ नहीं किया। हकीकत सबके सामने है, 5 साल सतपाल महाराज सिर्फ सपने ही दिखाते रहे। भाजपा की कथनी और करनी का फर्क, जब इन्हें सत्ता में आना होता है ये झूठे वादे करते हैं और बड़े बड़े वादे जनता के बीच जाकर के करते हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी ने भी इसी तरह के वादे जनता के बीच किए कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सतपुली के आसपास सुंदर सी झीलों का निर्माण किया जाएगा, नयार नदी पर सुंदर सी झील बनाई जाएगी, बहुत से बहुउद्देशीय भवनों का निर्माण किया जाएगा और ट्रैचिंग ग्राउंड में कंपोस्ट को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाएगा और नगर पंचायतों में दुकानें, ऑडिटोरियम और पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे। पर आज जब हम बात करें, 5 साल गुजरने के बाद हम दोबारा 2022 के चुनाव में चले गए हैं, तो आज जब ये जनता के बीच जाएंगे तो जनता इनसे सवाल करेगी तो ये क्या जवाब देंगे। इन्होंने पर्यटन को बढ़ाने के लिए हर जिले में बात की और आज हम देखें तो इन्होंने कितना काम किया विकास के लिए, पर्यटन को बढ़ाने के लिए, तो ये जनता के सामने है और 2022 के चुनाव में जनता इन्हें इसका जवाब जरूर देगी। कैमरामैन सागर बिष्ट के साथ सुभाष गौर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, देहरादून। तो ये सतपाल महाराज का लेखा जोखा आपके सामने, जहां महाराज जी ने 5 सालों में तमाम सपने दिखाए, पर्यटन का बंटाधार और महाराज के 5 साल, पर्यटन का बंटाधार महाराज के 5 साल, और इस 5 साल में महाराज जी ने जो महत्वपूर्ण सपने दिखाए उसका आज आकलन न्यूज वर्ल्ड इंडिया कर रहा है और कुछ आधार है और उन्हीं आधार पर आकलन किया जा रहा है। मैं इस कार्यक्रम में आपको बता दूं आज जिनको शामिल किया है, सुजाता पॉल हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, केसर अंदाज में अपनी बात को रखती हैं, तमाम न्यूज चैनल पर आप इन्हें बेबाक अंदाज के लिए देखते सुनते हैं, उमा सिसोदिया जी जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है जो तथ्यों के आधार पर अपनी बातों को रखती हैं, साथ ही मेरे साथ मनोज इष्टवाल जी जुड़े हैं, मेरे अनुभवी और वरिष्ठ सहयोगी भी हैं पत्रकारिता जगत में, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। और मैं आपको बता दूं कि आज इस कार्यक्रम में सुजाता जी आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी के नेता नहीं है, उमा जी आप भी देख रही होंगी बीजेपी के नेता नहीं, सवाल किससे पूछा, मेरे मन में भी यही संशय आया था, मैंने भी उनको आमंत्रित किया है, वो चाहे तो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन मालूम नहीं पता नहीं क्यों बीजेपी नेता नाराज रहते हैं, खफा खफा है हमसे। हमने उनको कहा है कि आपका मंच है, आपने 5 साल काम किया है, आप जनता को बताइए, जो सपने दिखाए गए थे वो पूरे हुए नहीं हुए, डबल इंजन की सरकार है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं फिर से कह रहा हूं, लाइव डिबेट चल रही है, बीजेपी नेता जो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं उनके लिए मंच खुला है। मैं शुरुआत सबसे पहले मनोज जी आपसे साथ करना चाहूंगा, कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं, आपका अनुभव, आपका आकलन। मैं देख रहा था कि देश का, दुनिया का सबसे लंबा रोपवे मसूरी जाएगा, वो कहीं दिखा नहीं मुझे। फिर मैंने देखा कि जो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक सर्किट बनाने का जिक्र महाराज जी ने किया था, जैसे वो रेल बन रही थी ना, उन्होंने कहा मैं रेल पुरुष, वो रेल अब तक तो वो रेल रह गई, तो वो भी नहीं दिखा मुझे। फिर मैंने देखा, और वो मैं आगे दिखाऊंगा भी, वो सी प्लेन जो चलना था ना टिहरी में, सी प्लेन, वो सी प्लेन भी मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। और वो जो 13 डेस्टिनेशन तैयार करने थे 13 जिलों में, उनमें से एक भी नहीं दिखाई दिया। आपको कुछ दिखाई दिया क्या मनोज जी? तिलक जी, जी इस 5 साल की राजनीति में मैंने एक चीज देखी है और बहुत करीब से देखी है कि अगर आप मुख्यमंत्री की दावेदारी करते हैं और दावेदार प्रबल दावेदारों में से रहते हैं तो 5 साल तक आपके विभाग के काम हो भी पाएंगे कि नहीं, ये बड़ी सोच वाली बात है। जब महाराज जी ने पर्यटन मंत्रालय संभाला था
तब लगा था कि ये स्विट्जरलैंड में कन्वर्ट होगा या फिर विदेशों में यूरोपीय कंट्रीज में एक मिसाल होगी उत्तराखंड का पर्यटन। अच्छा, उन्होंने आइस टिहरी झील में आइस ब्रिज की भी बात कही थी, सी प्लेन की ही नहीं, आइस ब्रिज की बात हुई थी, जो ग्लास ब्रिज जो झील के बीच में होगा, उससे गुजर के लोग मछलियां देखेंगे, जो महल डूबा हुआ वो देखेंगे। रोप वे सिर्फ मसूरी वाला रोप वे नहीं है, कहीं रोप वे अभी हो गया है, मतलब सुरकंडा वाला रोप वे शुरू हो गया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ। वही बात रोप वे के लिए दीवा जो उनका क्षेत्र है वहां भी रोप वे की बात हुई है, बहुत सारी जगह रोप वे की बात हुई है। 15 अप्रैल 2019 को उन्होंने 13 जिले 13 डेस्टिनेशन की बात लाए थे, पिथौरागढ़ में मुंशहरी चौकड़ी को, बागेश्वर में कौशानी को, अल्मोड़ा में कसार देवी कटारमल को, नैनीताल में मुक्तेश्वर को, चंपावत में लोहाघाट को, उधम सिंह नगर में पराग होम्स को, रुद्रप्रयाग में चोपता, टिहरी में टिहरी झील, पौड़ी में खिरसू, उत्तरकाशी में चिनाली शॉर्ट, देहरादून में चक्रोता, और हरिद्वार में पिरान कलियर शक्तिपीठ थे, चमोली में गैरसैंण आली और गोरसो बुग्याल। बहुत सारे सपने थे, बहुत सारे सपने देखे, बहुत सारी चीजें हुई भी, ऐसे नहीं कि धरातल पे नहीं हुआ है, धरातल पे कई काम भी हुए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं, आप उसे पर्यटन मतलब से लेकर सरकार में आप इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाए, आपको मुख्यमंत्री बनना है, आप एक बार बताइए सुधार पाए। नहीं, पर्यटन विभाग को सुधारने के लिए आपकी फाइलें, अभी मैं दो की बात कर रहा हूं, 116.43 करोड़ जो सतपुली झील के लिए अभी सेंक्शन हुआ है, जिसका टोकन मनी जारी हो गया 20 लाख, और 48 करोड़ 24 लाख सिंसू झील के लिए हुआ है, जिसका 10 लाख टोकन मनी जारी हो गया है। ये किस शर्त पे हुआ है मालूम? इस 7 तारीख को जब इस्तीफा जेल में लेके एक पर्यटन मंत्री जो मुख्यमंत्री का दावेदार है, इतना बड़ा ओहदा, इतना बड़ा चेहरा है, हजारों करोड़ का मालिक है, भले ही उन्होंने 80 करोड़ अपनी वो दर्शाई थी, उस आदमी को इतना निराश और परेशान होना पड़ा कि आखिरी समय में अपनी योजनाओं पे काम करवाने के लिए। सर कोई ऐसा कुछ नहीं होता मनोज जी, इस्तीफा लेके मैं जो जहां देखेगा बहुत घूमते हैं जेब में, तिलक भाई पत्रिका मनोज जी आप जानते हैं ना, मेडिकल कॉलेज के लिए इस्तीफा देने की बात कर रहे थे क्या, जो वो इस्तीफा दे रहे थे कैबिनेट में, वो मेडिकल कॉलेज के लिए थोड़ा ना कर रहे थे सर, आपको पता क्या नहीं, होता नहीं। है आपको कैबिनेट की बात ही नहीं है सर, उसमें तो तस्वीरें सामने नहीं, तो उसकी नहीं आई ना सर, वो तो सर पीछे पड़ा है। लेकिन एक सेकंड सर सुजाता पॉल जी, कुछ दिखा आपको वो सी प्लेन दिखाई दिया या फिर आपको वो रोप वे कहीं दिखाई दिया कुछ? सुजाता पॉल जी की आवाज नहीं आ रही जी, ऑडियो नहीं आ रहा मैम। सुजाता मैडम आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं कनेक्ट कर रहा हूं दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूं। लेकिन उमा से सुधिया दी मैडम, आप लोग तो रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं, मांग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या रहा अब सतपाल महाराज जी के रिपोर्ट कार्ड में, क्या दिखता है आपको पर्यटन के क्षेत्र में? सतपाल महाराज के रिपोर्ट कार्ड में हमें दिखता है कि किस तरीके से कलयुग में लोग धर्म का चोला पहनकर अपने बड़े बड़े आश्रम बनाते हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाते हैं, और जब जनता के लिए काम करने की बात होती है तो वहां पर शून्य होता है। हरिद्वार में महाराज के बड़े बड़े आश्रम है जिसमें लाखों अनुयायी एक साथ इकट्ठा होते हैं, और बिल्कुल गंगा के तट पर, गंगा की जो पवित्रता है उसका कोई वहां पर उसका सम्मान नहीं रखा जा रहा, और सबसे उसके बाद जो लोकल हरिद्वार के नेता है, जो वहां के मेयर है, उनके साथ जो झगड़े सतपाल महाराज की टीम के रहे वो भी जग जाहिर हुआ कि किस तरीके से बीजेपी के दो बड़े नेताओं ने सिर्फ फुटबॉल वहां पर किया, और एक ने कचरा पॉलिटिकल जाना नहीं चाह रहा, मैं आकलन कर रहा हूं पर्यटन के क्षेत्र में। अब देखिए रेल पुरुष ने कुछ तो किया होगा ना पर्यटन के क्षेत्र में, मैं वही आपको बता रही हूँ कि सतपाल महाराज पूरे 5 साल सिर्फ और सिर्फ अपने आश्रमों को बढ़ाने में लगे रहे, पर्यटन का पूरा क्षेत्र सिर्फ उनके आश्रम रहे, उसके अलावा उन्होंने पूरे उत्तराखंड में कहीं कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसको कि हम यहाँ पर या आप यहाँ पर इस समय संभाषित कर पाए कि सतपाल महाराज ने ये कार्य किए हैं। ले देकर एक मरीना बोट बनाई गई थी टिहरी में 4 करोड़ रुपए की, वो भी एक बार उसपे कैबिनेट की बैठक हुई, उसके बाद वो भी डूब गई। उसके अलावा सारी योजनाएं सिर्फ कागजों पर बनी और कागजों पर ही बनी रह गई।
मेरे को समझ में नहीं आता कि जिसको हम ये कहते हैं कि एक बड़े नेता है उत्तराखंड के, हजारों लाखों उनके अनुयायी है, जब इतने इतने मतलब अनुयायी वाले व्यक्ति को लोग इतना पसंद करते हैं, वो काम क्यों नहीं करते? मेरी आवाज आ रही है? काम क्यों नहीं करते आप? सुजाता जी, इसके मतलब वाजी आवाज आ रही है, शोर होना चाहिए, सुजाता होना चाहिए, ओके आपका ऑडियो आ गया, सुजाता जी काम क्यों नहीं करते? जी ओके उमा जी आ रहा हूँ आपके पास, मैं कुछ तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूँ। वो किनवा क्रांति सुनी आपने? किनवा 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 किनवा, दरअसल मैंने सुना था एक बहुत बड़े महापुरुष के जुबान से कि किनवा में बहुत प्रोटीन होता है, हम किनवा क्रांति लाकर आएंगे। अब पर्यटन के क्षेत्र में क्या हुआ क्या नहीं उसका आकलन बहुत जरूरी है, तो मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे, आप कैसे देखती हैं सतपाल महाराज जी के पर्यटन के क्षेत्र में किए गए कार्यों? देखिए किनवा अगर इंपोर्ट करके उनके परिवार में वो खिला रहे होंगे, अपने आश्रम में लोगों को खिलवा रहे होंगे या कैबिनेट में उसका नाश्ता बनवा के खिलवा रहे हो, तो वो तो पता नहीं, मगर जिस व्यक्ति को केदारनाथ में घुसने की अनुमति नहीं है, तीर्थ पुरोहितों ने कह रखा है कि इनको हम घुसने नहीं देंगे केदारनाथ में, और जिस कारण जब प्रधानमंत्री केदारनाथ गए तो आपको याद होगा वहां त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं पहुंचे क्योंकि उनका विरोध हो रहा था, मगर एक नाम जो नोटिस में नहीं आया, जो नोटिस में नहीं आया जी, तो जो जो नोटिस में नहीं आया लोगों के, वो था तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा जो सतपाल महाराज जी के विरुद्ध है। अभी इष्टवाल जी ने एक बात करी कि उन्होंने ये काम के लिए पैसा रिलीज कर दिया, भाई धरातल पे काम भी तो होने की जरूरत है। सतपुली की अगर आप बात करें तो मतलब एक सतपुली के काम को अगर वो पूरा ढंग से कर लेते तो बात थी, लेकिन चौबट्टा खाल में बार बार मैं आपको बता रही हूँ चावला जी कि उनका विरोध ग्रामवासी सड़कों पे उतर कर करते रहे हैं, उनको उनका घेराव होता रहा। हमारा कार्यक्रम चलता है मेरा देश मेरा गांव, हम लोगों ने गांव के जनप्रतिनिधियों को बिठाया था और चौबट्टा खाल की तस्वीर भी दिखाई थी, बहुत भयावह स्थिति है वहां पर, जो ग्राम प्रधान जो है, जो वहां के लोग हैं बाशिंदे बहुत नाराज हैं। लेकिन कमलेश उनियाल जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं सुजाता जी आ रहा हूँ, पूरा मौका दूंगा आपको, लेकिन कमलेश जी मेरा ऑडियो आ रहा है सर आपको? हाँ आ रहा है कमलेश जी, जी कैसे हैं सर आप? हाँ मैं सुन रहा हूँ आपका ऑडियो जी। सर मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था, आज हमने पर्यटन के क्षेत्र में किए गए कार्यों का जिक्र कर रहे हैं, महाराज जी के जो रेल पुरुष है, रेल पुरुष उनके किए गए कार्यों का आकलन किया जा रहा है क्योंकि उनको मुख्यमंत्री भी बनना है, तो उन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड को क्या दिया, आपको क्या लगता उनका आकलन कैसे करेंगे आप? नहीं सतपाल महाराज जी का तो ड्रीम प्रोजेक्ट था रेल रेल लाइन कर्णप्रयाग तक, और जी जी टीम प्रोजेक्ट कांग्रेस में पूरा नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी में आए और उनका ये सपना भी साकार हुआ है, आज कर्णप्रयाग तक रेल लाइन गई, ये तो सभी को पता है, तो रेल पुरुष की अगर उनके संज्ञा दी उत्पादित पर्यटन के क्षेत्र में क्या किया था रेल पुरुष पर्यटन के क्षेत्र में? पर्यटन की स्थिति अगर आज जहाँ तक बताओ, आप ये बताओ कि मैंने जो भी जब से सतपाल महाराज जी पर्यटन मिनिस्टर रहे तब से जो हमारे लोकल या स्थानीय युवाओं हों उनको चाहे होम स्टे योजना के अंतर्गत, तो उसके अलावा आप ये देखोगे कि जितने भी हमारे जो जो भी पर्यटन स्थल है उसके अंदर अगर होम स्टे हो, चाहे क्योंकि उद्देश्य तो यही है ना कि जितना पर्यटन का विकास होगा उतना स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, उसके तहत आप उसके तहत हमारी जो पर्यटन योजना है या उसके अलावा पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में या आप आ, आ, जितना भी झीलों का सौंदर्यीकरण हुआ तो उसमें तो काम किया है, इसमें अगर कोई अच्छा, सोचने का या सौंदर्यीकरण आजकल डोईवाला में भी चल रहा है सर। हेलो सर, वो डोईवाला में भी चल रहा है ना एक जिसपे विवाद है, खैर मैं उस पर नहीं आ रहा। कमलेश जी मैं एक बात जानना चाह रहा था आपसे सर, वो सी प्लेन चलाना था, सी प्लेन वो टिहरी में चला क्या? नहीं टीरी में आप ये देखिए ना, टीरी में आप हमने सी प्लेन के हमने तो टीरी की जो क्या बोलते हैं और टीरी झील के ऊपर जितने पर्यटन के जो जितनी भी चाहे किसी भी आप देखोगे किसी भी स्थिति के हिसाब से यहाँ पे अपने आज के मेरे तो हमारे तो कुछ महाराज जी कहते वो सी प्लेन ना जी। सी प्लेन नहीं सी प्लेन, सी प्लेन भी एक प्रोसेस है, अगर कोई अगर महाराज जी ने अगर कहा है कि महाराज जी ने अगर ये कहा है कि कर्णप्रयाग तक रेल जाएगी तो कर्णप्रयाग तक रेल गई है ना, सी प्लेन में आने वाले टाइम पे आएगा, लेकिन जो अभी हुआ है उसके बारे में आपको पाया है
डबल इंजन की सरकार में सीप्लेन नहीं चल पाया। डबल इंजन की सरकार में तो वो काम हो गए हैं जो पिछले 70 या 50-60 सालों से नहीं हुए थे। हाँ, पर्यटन के क्षेत्र में सर वही पूछ रहा था कि 70 सालों नहीं, वही बोल रहा ना, पर्यटन के क्षेत्र में भी कार्य हुआ है, पर्यटन के क्षेत्र में भी कार्य हुआ है। आज की डेट में हमारे यहाँ तो कभी पर्यटक आते ही नहीं थे। अरे मैडम, आपके जब नंबर आएगा तब बोलिए, फिर आप बोलते हो। मत बोलिए, मुझसे पूछा गया, आपसे नहीं पूछा गया, आपको सुनाई नहीं देता। अब ऐसी बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 70 साल में नहीं हुआ, मतलब हमारे यहाँ पर्यटन शब्द जो है वो उसका भी इन्वेंशन जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद हुआ। अरे अभी आप ही बात कर रहे हैं, सी प्लेन की अगर ये बात कर रहे हैं, उसमें कैबिनेट की मीटिंग तो वहां की एक बोट में हो गई, मगर बोट जो बनाई थी वो तो डूब गई ना। मतलब अरे कैबिनेट की मीटिंग जिस बोट में हुई वो बोट ही डूब गई, और बोट के साथ साथ सरकार भी डूब गई। अब बीच में मत बोलिए, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं, मैंने आपके बीच में बोला था। अब देखिए चावला जी कितनी मजेदार बात ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो सपना था पर्यटन मंत्री जी का, वो सपना था कांग्रेस में रहते हुए, तो उसको पूरा करवाने के लिए ये भाजपा में आई है। मैंने नहीं कहा, ये इन्होंने अभी कहा, तो इसका मतलब है वो जिस काम के लिए गए थे कि नहीं नहीं इसका क्रेडिट मुझे मिल जाना चाहिए, वो तो भाजपा ने उन्हें दे दिया, लेकिन भाजपा के मंत्री रहते हुए वो राज्य के लिए कोई कार्य नहीं कर पाए। उन्होंने तो ओली में विंटर गेम्स भी करवाने थे। आप मुझे बताइए, इंटरनेशनल विंटर गेम्स का कोई प्रपोजल कब हुआ? आप बताइए, इंटरनेशनल विंटर गेम्स का कोई प्रपोजल तक नहीं आया कैबिनेट में। अगर आया हो तो कमलेश उनियाल जी बता दे, 13 जिले 13 डेस्टिनेशन उन्होंने बताई थी। उमा जी, कमलेश जी कह रहे हैं कि सी प्लेन हो जाएगा, जैसे कर्णप्रयाग तक रेल लाइन जा रही है, जैसे रोपवे बनेगा मसूरी तक ये भी हो जाएगा, जैसे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सर्किट बनना था वो भी बन जाएगा। इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं आप लोग? बन जाएगा महाराज जी, बना देंगे। मैं न्याय जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हम आराम से देख रहे हैं, 10 साल 20 साल 30 साल में सब हो जाएगा। और दूसरी बात, ये जो कर्णप्रयाग के रेल लाइन या ये चार धाम यात्रा की जो सड़कों की बात करते हैं, ये हमारे सेंटर के प्रोजेक्ट है, उस बात पे हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम लोग बार बार हर बार मीडिया भी और विपक्ष भी ये प्रश्न पूछता है कि जो लोकल आपकी जो बीजेपी सरकार है उसके हमें 5 काम गिना दीजिए। आप लोग एक काम नहीं गिना पाए, एक भी काम आप ऐसा नहीं बता पाए। आप मुझे बता दीजिए कि सतपाल महाराज के विजन का उत्तराखंड में आज तक कौन सा काम पूरा हुआ है? नहीं, आप लोग टारगेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि नहीं, कमलेश जी बताएंगे। कमलेश जी, आप रेल पुरुष, विकास पुरुष और अध्यात्म गुरु महाराज जी के 5 पर्यटन के क्षेत्र में किए गए कार्यों को तो बता दीजिएगा, लेकिन 5 उन्होंने कोई ऐसे, क्योंकि वो 13 डिस्ट्रिक्ट में 13 डेस्टिनेशन बनाने वाले थे, वो 13 छोड़िए सर, 5 बता दीजिए जो उन्होंने 5 पर्यटन के क्षेत्र में उन्होंने बढ़ावा दिया हो, नए डिस्ट्रिक्ट बनाए हो, डेस्टिनेशन नए डेस्टिनेशन पर्यटन के क्षेत्र में, सिर्फ 5 सर। देखिए सतपाल महाराज जी, मैं चाहे टेरी झील की अगर हम लोग बात करते हैं, उसमें आज की स्थिति को देखते हुए स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा मिला है, और आप, मैं खुद भी गया हूँ, चाहे वो बोटिंग सिस्टम हो, चाहे वहाँ पे आप ये देखेंगे कि जितने भी टूरिज्म के जो भी स्थिति बनी है, और जो आने वाले प्रोजेक्ट है, जैसे ये कह रहे थे, मैं मैडम की बात करूंगा, अभी ये बोल रही थी हमारी सुजाता पॉल जी कि भाई सर मैं बताता हूँ आपको, ये उनको बताइए सर जो वो राष्ट्रहित के नाम पे लड़वाते हैं, दिनेश धने हुआ करते थे वहां पे पर्यटन मंत्री कभी उत्तराखंड में, दिनेश धने। तब जो वोट आप मुझे दिखा रहे हैं ना, वो वोट तब चली, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, वही मैं कह रहा था, कहने के मतलब ये है कि मैं सुजाता पॉल जी की बात पे आऊंगा, ये इनका ये कहना है कि भाई जो सुजाता जी से मत लड़िए, आज सुजाता जी शांत है, मैं उनका थैंक यू धन्यवाद अदा कर रहा हूँ, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सर। 5, सिर्फ 5, कोई नया डेस्टिनेशन, कोई नया, कोई भी। हम जो प्रोसेस आप ये देखिए ना, पूरे कोरोना काल के अंतर्गत जो भी, जैसे ही उसकी बात कर रहे हैं कि भाई जो अपने ठीक रहा ना, कोरोना काल के ऊपर मत छोड़िए प्लीज, आप हर चीज का ठीक ना, कोरोना काल आ गया, कोरोना काल आ गया, नहीं बन पाया, आप उस बच्चे की तरह मत कीजिए जो एग्जाम में फेल हो चुका है, बार बार ये कहता है कि घर में मेहमान ज्यादा आ गए थे इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। उमा जी देखिए, आप देखिए किनवा क्रांति आ जाएगी, रुकिए एक सेकंड, बता रहे हैं ना कमलेश जी प्लीज कंटिन्यू सर। सर 3 बता दीजिए, 5 छोड़िए 3 बता दीजिए, ताकि मैं सुजाता पॉल जी को बोल पाऊं कि इन्होंने देखिए ये काम किए हैं, मुझे सुजाता पॉल जी को शांत करना है, बताइए सर। नहीं, सुजाता पॉल जी बोल रहे तो स्वतंत्र अपने लिए, मैं ये कह रहा था, नहीं, आपके हिसाब से जी 3 का
हाँ, मैं जो कहना चाह रहा मूल रूप से आपको, मेरा ये कहना है कि अपने सतपाल महाराज जी ने पर्यटन के, जो पर्यटन को देखते हुए पर्यटन मंत्री रहते हुए, आप होम स्टे योजना जो इतने बने, पूरा एक एग्जांपल है सर, होम स्टे योजना मोदी जी का, सर मैं पूछ रहा हूँ उन्होंने क्या काम किया, मोदी जी की नहीं स्टेट गवर्नमेंट का कार्य है भाई साहब, आपने बताइए सर, डेस्टिनेशन बता दीजिए, तीन डेस्टिनेशन आपने 13 बनाने की बात की थी, मैं 3 पूछ रहा हूँ आपसे, तो 13 की हमने बात करी तो आने वाले 13 की बात कौन से, जो जो रोप वे बनाना था सर उसका क्या हुआ, रोप वे मसूरी रोप वे सोचा, रोप मसूरी रोप वे वगैरह में जो भी, अगर हम तो ये लेके चल रहे हैं ना रोप वे की, अगर जो घोषणा हुई जो हमने मसूरी अभी जुमा एक महीने पहले दो महीने पहले हमारे जो अपने क्या बोलते हैं सीएम है उन्होंने किया है, उसके उपरांत आप ये बताइए, हम तो ये लेके चल रहे हैं कि हम तो 2022 के बाद भारतीय जनता पार्टी सुजाता पॉल जी, ये मैंने तो इनको 5 ऑप्शन दिए, 5 में भी नहीं बताया इन्होंने, 3 भी नहीं बताया, उन्होंने कहा कि होम स्टे योजना, अब बताइए, वो कह रहे हैं कि सुजाता पॉल जी स्वतंत्र है, अब सुजाता पॉल जी आप स्वतंत्र है, बोलिए जी। देखिए इन्होंने ये बात साफ कर दी है कि ये मानते हैं कि 5 सालों में इन्होंने कोई काम नहीं किया, चलिए मान भी लिया कि कोरोना काल जो है वो 2.25 साल का रहा, अब तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग गया है, तो सरकारें तो 5 ही साल के लिए आती है ना, 5 साल की सरकार अगर कोई वादा करती है तो वो काम अगर सरकार ना करे तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की होगी या नहीं, अगर मंत्री जी कहते हैं कि मैं 13 जिले 13 डेस्टिनेशन बनाऊंगा, ओली में इंटरनेशनल विंटर गेम्स करवाऊंगा, यहाँ पे रोपवे बनवाऊंगा, वहां पे रोपवे बनवाऊंगा और पर्यटन को बढ़ावा दिलवाऊंगा, हिमाचल प्रदेश की तर्ज पे बनाऊंगा, तो वो सारे कार्यों का हिसाब क्या जनता को आप 5 साल पूरे होने पे देंगे या नहीं? उमा जी आप फाइनल कमेंट आपका, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या वाकई में कुछ नहीं किया सत्तर महाराज जी ने? देखिए सतपाल महाराज सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग की राजनीति करते हैं, ये जो 8-9 विधायक इस पार्टी से उस पार्टी और उस पार्टी से इस पार्टी में जो उछल कूद मचाए रखते हैं, ये सिर्फ एक तरीके से दबाव की राजनीति ये लोग करते हैं, और ये लोग माहिर है दबाव की राजनीति करने में, जब आप कांग्रेस में थे वहां पर भी आपने दबाव की राजनीति करी, अब आप भाजपा में है यहाँ पर भी आपने दबाव की राजनीति करी, तो ये सतपाल महाराज के उनके बयानों के जरिए हम छोड़ के जाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्योंकि कुछ निकाला, मैंने रिसर्च किया, कमलेश जी मेरी आदत है मैं बिना तथ्यों के आधार पर चर्चा नहीं करता, और मैंने कुछ रिसर्च किया था और मुझे दिखाई दिया वो रोप वो सी प्लेन वाला बयान मुझे दिखाई दिया, और उन बयान के साथ छोड़ के दूंगा, एक किनवा क्रांति आने वाली थी, वो भी नहीं आई सर, वो भी आएगी उम्मीद करेंगे, कमलेश जी थैंक यू सो मच आपने वक्त, 22 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही भाई साहब, आप चिंता ना कीजिए, जितने भी हमने कार्य किए हैं वो कार्य हमने किया है करेंगे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो आप देख रहे हो, आप देख नहीं, जनता बता रही है, मुंगेरी लाल माफ करो, हमारे यहाँ से जाओ, जनता बताएगी आपको, जनता ही बता रही है आपके 21,000 हम त्रस्त, आपके कुछ शासन से, शासन आपका है, अरे आने वाले जो भुगत रहे हैं पहले आपके कार्यकाल में, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बहुत बहुत शुक्रिया। टेहरी बांध को लेकर के हमारी बहुत सी योजनाएं हैं, हम ये भी सोच रहे हैं कि जैसे टाइटैनिक के लिए एक सबमरीन बनाई गई और वो पर्यटकों को नीचे ले जा करके टाइटैनिक को दिखाती है, ऐसे ही छोटी सबमरीन को लेकर के हम लोग जो टेहरी शहर डूबा हुआ है उसको दिखाएंगे, उसका राजमहल हो गया, क्लॉक टावर हो गया, उसका आप दिग्दर्शन कर पाएंगे कि हम किनवा लाना चाहते हैं उत्तराखंड के अंदर, ये पेरू के अंदर ये उगाया जाता है किनवा, ये पेरू और बोलिविया दो देशों के अंदर होता है और इसको इनका राजा खाते थे, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, इस फुल ऑफ प्रोटीन, और जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो स्पेस फ्लाइट के अंदर किनवा ही खाते हैं, तो मैंने माननीय मोदी जी से भी ये इसका जिक्र किया, वो बड़े प्रभावित हुए, और हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो प्रोटीन क्रांति हो वो किनवा से हो।